नमस्ते पोकोयो। नमस्ते। ओ बैठो, तुम्हें भी नमस्ते। अरे वाह, ये तरीका बड़ा अच्छा है। पोकोयो ईंटों को उठा रहा है और पेटो उसे जमा रहा है, और इसी तरह मिलजुल कर काम करने से ही काम हो रहा है। ये शानदार है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि पोकोयो और पेटो क्या बना रहे हैं? ये एक किला बना रहे हैं। एक किला। बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, तो तुम काम वापस शुरू कर दो, देखना एक अच्छा किला बने। हाँ हाँ, फटाफट। ईश, पर क्या हुआ पोकोयो? ओहो पोकोयो, तुम क्या करने जा रहे हो? बैठो, और ईंट मांग रहा है, पर तुमने तो सभी काम में ले ली, अब क्या करेंगे? ओ पोकोयो, मुझे नहीं लगता ये तरीका सही है। नहीं नहीं पोकोयो। हाँ, पर ये लड़का कहाँ सुनने वाला है। ओ नहीं, किला गिर गया। पोकोयो ये क्या किया तुमने? और बैठो, उसने कितनी मेहनत की थी, अब वो गुस्सा तो होगा। पोकोयो बैठो, एक दूसरे पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें किसी की गलती नहीं है। पेटो को और ईंटें चाहिए थी और पोकोयो इसके लिए सिर्फ मदद कर रहा था। अब मान भी जाओ, दोस्ती कर लो। नहीं। हैं? अब क्या ऐसे करोगे तुम दोनों? लकीर भी खींच ली। ओहो। पोकोयो, पेटो। ओ, क्या अब तुम लोग दीवार भी बनाओगे? ऐसा मत करो, ये बंटवारा मेरे होते नहीं, मुझसे नहीं देखा जाएगा। पोकोयो पेटो, बढ़िया, ये आई एली, शायद ये कुछ उलझे हुए मामले को सुलझा सके। अरे पर ये क्या चल रहा है पोकोयो? एली को कहाँ ले जा रहे हो? अरे बैठो, क्या बैली का भी बंटवारा करोगे? हैं? अरे नहीं। ओ देखो पोकोयो, ओहो,
ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या आप में से कोई पोकोयो और पेटो को बताएगा कि एली इन दोनों से क्या चाहती है? फिर से दोस्त बन जाओ, दोस्त। मुझे लगता है अब पोकोयो और पेटो समझ गए होंगे कि दोस्त बने रहना ज्यादा मजेदार है बजाय गुस्सा रहने के। वाह वाह पोकोयो और पेटो के लिए बाय बाय। फिर मैं ये रहा हमारा दोस्त पोकोयो। नमस्ते पोकोयो। नमस्ते। हाँ, हमेशा की तरह आज भी तुम किसी न किसी जरूरी काम की जल्दी में लगते हो पोकोयो। तो आज क्या काम है तुम्हें? क्या आप में से कोई देख सकता है कि एली किसके साथ खेल रही है? ये एली की पसंदीदा गुड़िया है। गुड़िया। पोकोयो, एली अपनी गुड़िया को बिल्कुल वैसे रखती है जैसे कि छोटा बच्चा हो। क्या तुम गाड़ी में सोती हुई गुड़िया को देखना चाहोगे? हाँ, ये देखो। एली तुम्हें सिखा रही है गुड़िया को कैसे झूला झुलाते हैं। और अब मुझे लगता है एली चाहती है कुछ देर के लिए तुम उसकी गुड़िया का ख्याल रखो पोकोयो। हाँ, पर उन सभी बातों का ध्यान रखना जो मैंने और एली ने बताई। पोकोयो, क्या तुम सो रहे हो? अरे नहीं, गुड़िया! ये क्या किया पोकोयो? शुक्र है। आहा, क्या तुम्हें गुड़िया के साथ खेलना अच्छा लग रहा है पोकोयो? ओहो, डांस भी बहुत अच्छे पोकोयो। क्या ये तुम्हें एली ने सिखाया था? वो भी बढ़िया नाचती है। लेकिन पोकोयो, तुम ये क्या कर रहे हो? पोकोयो, शायद तुम्हें एली की गुड़िया को इस तरह हवा में नहीं उछालना चाहिए। ये लो, हो गई ना गड़बड़। तुम भी ना पोकोयो। अच्छा सुनो, अब पोकोयो आराम से। तुम्हें बस एली को बताना होगा कि क्या हुआ। शायद वो पहले जरा सी नाराज हो, पर वो तुम्हें माफ कर देगी। यही एक उपाय बचा है। एली बस आने वाली है। ये क्या कर रहे हो? एली, आइए अब सुनिए। एली, तुम्हारी जो गुड़िया थी, अब मैं क्या ही कहूं, जो होगा देखा जाएगा। एली ने पोकोयो बनी गुड़िया को ही अपनी असली गुड़िया समझ लिया है। अब वो क्या करती है गुड़िया का, देखते हैं। पोकोयो, मुझे लगता है तुम्हें एली को बता देना चाहिए कि हुआ क्या है। एली अपनी गुड़िया को बड़ा प्यार करती है, इसलिए वो उसके साथ अपने अंदाज में खेल रही है, नाच रही है। अब पोकोयो को ये अंदाज कितना जमता है ये अभी पता लग जाएगा। बढ़िया डांस एली, और बढ़िया एक्टिंग पोकोयो। उम्मीद करते हैं पोकोयो ठीक हो।
देखो पेटो आ गया और एली पेटो को अपनी गुड़िया से मिलवाना चाहती है। पेटो को देखकर लगता है उसे समझ आ गया है कि क्या गड़बड़ है। ओ, ये क्या था? रुको! एली, पेटो, कुछ है जो तुम्हें जानना जरूरी है। अब तुम क्या करने की सोच रहे हो पोकोयो? क्या आप सब एली को मनाने में पोकोयो की मदद करेंगे? उसे क्या कहना चाहिए? पोकोयो, सॉरी बोल दो। सॉरी एली। तो पोकोयो, तुम मानते हो ना, बेहतर होता कि तुम अपनी गलती के लिए पहले ही माफी मांग लेते। बहुत अच्छे पोकोयो, दोस्तों को सच बता देना हमेशा ही सही रहता है। वाह वाह पोकोयो, बाय बाय, फिर मिलेंगे। यहाँ काफी देर हो गई है जहाँ पोकोयो और उसके दोस्त रहते हैं, और पोकोयो और पेटो को भी अब चले जाना चाहिए अपने बिस्तर पर। जैसा कि मैंने कहा कि ये सभी सोने जा रहे हैं। पर पोकोयो को लगता नहीं कि अभी नींद आ रही है, वो तो खेल में व्यस्त है। नमस्ते पोकोयो। नमस्ते। इस समय बहुत रात हो रही है पोकोयो, तुम्हें पता है देर रात होने पर अक्सर हम क्या करते हैं? अच्छा तुम्हें पता है, पर तुम पेटो बिस्तर पर है। क्या आप में से कोई पोकोयो को ये बताएगा कि अब उसे क्या करना चाहिए? बिस्तर पर जाओ। हाँ, बिस्तर पर जाओ, ये सोने का वक्त है। नहीं। ओहो, पोकोयो को सोने के लिए जाना ही नहीं है। पर पोकोयो, नींद सबको चाहिए, तो तुम्हें नींद नहीं लेनी, पक्का ना? अरे पर तुम फिर से खेलने लगे। अरे ये पेटो को क्या हुआ? गुस्सा है वो बहुत। हाँ पोकोयो, पेटो शायद कह रहा है कि उसे तो नींद लेनी है, पर ये तुम्हारे हवाई जहाज की आवाज से वो सो नहीं पा रहा है। ओ, ये अच्छा है पोकोयो, तुम पेटो को थपकी से सुला रहे हो। हाँ सही है, तुम्हें भी अब अपने बिस्तर पे जाना ही चाहिए। अच्छा जी, चलो ये ठीक है। शुभ रात्रि। अरे इतना अंधेरा क्यों है भाई, और ये आवाजें कैसी? ओहो, अब ये क्या है? पोकोयो, अब तक जागे हो, सोए क्यों नहीं? पेटो को फिर गुस्सा आया। शुभ रात्रि। ये पोकोयो भी ना, लगता है फिर कुछ गड़बड़ कर रहा है आधी रात को। बेचारा पेटो,
पोकोयो तुम शांति से सो क्यों नहीं जाते? वैसे सोने का वक्त यूं ब्लॉक से खेलने का नहीं होता है पोकोयो, तुम इसे सुबह भी तो बना सकते हो अगर तुम चाहो। शुभ रात्रि। ओफो, फिर से कुछ। ये पोकोयो भी ना शैतानों का शैतान है। पोकोयो, पोकोयो, सोने के वक्त ट्रेन से खेलने का भी समय नहीं होता है। बैठो बैठो बैठो, तुम ठीक हो? तो बैठो, आखिरकार ये सो ही गया, अब तुम भी अपनी नींद ले सकते हो। ओहो, अब क्या हुआ बैठो? नींद नहीं आ रही? वैसे शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, शायद एक मधुर संगीत चलेगा, तो चलो देखते हैं। इससे काम नहीं बना, समझा। क्या आप सब बैटो को लोरी गाकर सुनाएंगे मेरे साथ? हाँ, हम गाएंगे। क्या तुम तैयार हो? 1, 2, 3। ला ला ला, ला ला ला, ला ला ला, ला ला ला, ला। बहुत खूब, अब लगता है सभी दोस्त आखिर सो ही गए। शुभ रात्रि पेटो, शुभ रात्रि पोकोयो, और आपको भी शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि, और वाह वाह पोकोयो के लिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे। नमस्ते पोकोयो। नमस्ते। अच्छा जी, तुम्हारे पास एकदम नया खिलौना है, ये है क्या पोकोयो? क्या आप में से कोई बता सकता है कि पोकोयो का ये नया खिलौना क्या है? ये जहाज है, ये एक हवाई जहाज है। हाँ बिल्कुल सही, जहाज। ओ, पोकोयो को जहाज वाला खिलौना पसंद है, पर समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। ओ अच्छा, वो दिखा कर बताएगा इस क्यों का जवाब। अरे ये तो उड़ चला। शानदार पोकोयो। अरे अरे बच के अली, ये आया जहाज। वाह, ये तो लौट आया तुम्हारे पास पोकोयो। ये एली कुछ कहना चाहती है। लगता है एली भी जहाज उड़ाना चाहती है। देखो तो पोकोयो, तुम्हें कितने प्यार से मना रही है एली। हाँ पोकोयो भी मान गया, ये लो एली। क्या तुम जानती हो इसे कैसे उड़ाते हैं एली? ओ अच्छा, तुम जानती हो, बताओ कैसे। सही है, इसे घुमाते रहो, पर ज्यादा मत घुमा देना एली। अरे 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 एली, आराम से, इतना भी नहीं घुमाते। जहाज, जहाज, नहीं। देखो ये कितना ऊपर चला गया। ओ, हमने पोकोयो का जहाज खो दिया।
इसे अब हम कैसे ढूंढेंगे जब ये दिख ही नहीं रहा है? एक टेलीस्कोप, क्या कमाल का विचार है पेटो। जब कोई टेलीस्कोप से देखता है तो वो दूर तक की चीज भी देख सकता है। जल्दी पोकोयो, देखो इस टेलीस्कोप से। क्या कुछ दिखा पोकोयो? ओ, शायद जहाज उड़कर दूर अंतरिक्ष में चला गया है। अब हम इसे वहां से कैसे ला सकते हैं? ओ पोकोयो, तो काफी गुस्सा भी हो गया है अली। ओ हाँ, बेशक वैमूश। वाह शानदार, ये तो जहाज की खोज के साथ साथ अंतरिक्ष की यात्रा भी हो गई। एक तीर दो शिकार। अरे ये तीनों तो किसी और ग्रह पर उतर चुके हैं। ओह, ये तो एलियंस हैं। डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत। पर पोकोयो तो वो है जो कहीं भी खेलने को तैयार है। ये देखो, वो एलियंस के साथ भी मजे करने लगा। वाह क्या मजा है। पर तुम्हारे जहाज का क्या हुआ पोकोयो? शायद इन एलियंस को कुछ मालूम हो। हवाई जहाज। लगता है ये लोग आपस में बातचीत करके एरोप्लेन का पता लगा रहे हैं। लग तो ऐसा ही रहा है। हाँ वो रहा। मुझे नहीं लगता कि तुम वहां तक पहुंच पाओगे पोकोयो, ना ही एली या पेटो। क्या तुम किसी को जानते हो जो वहां तक पहुंच सके पोकोयो? मैं भी नहीं जानता। शायद ऐसा कोई जो खींच सकता हो। क्या आप में से कोई बता सकता है कि वहां तक पहुंचकर कौन पोकोयो का जहाज ला सकता है? एक एलियन। हाँ सही जवाब। याहू, हमारे नए एलियन दोस्त ने घर दिखाया। वाह वाह। और एली जहाज को फिर उड़ाना चाहती है, पर पोकोयो ने इस बार कहा नहीं। चलो ठीक है पोकोयो, अब अपनी धरती पर वापस चलना चाहिए, है ना? ओ, लगता है एलियंस कुछ कहना चाहते हैं। चलो पार्टी करें। कमाल का आइडिया। येलो नाच गाना और पार्टी शुरू। वैसे जहाज मिलने के साथ में पोकोयो को ये नए दोस्त भी मिल गए हैं। क्या बात है। बाय बाय, फिर मिलेंगे। नमस्ते पोकोयो। नमस्ते। और वैसे तुम कहाँ भागते जा रहे हो इतनी जल्दबाजी में? क्या हुआ, क्या देख लिया? ओह ये तो बहुत विशाल है पोकोयो। वाह एली ने ये कितना खूबसूरत किला बनाया है ना पोकोयो? चलो फिर अंदर चलें। क्या हुआ पोकोयो, कोई परेशानी है क्या? किसे ढूंढ रहे हो? एली तुमने तो हमें डरा ही दिया। क्या हुआ है एली, आखिर माजरा क्या है?
अच्छा, इसमें कुछ तो गायब है। पोकोयो, क्या तुम देख सकते हो एली के इस किले में वो क्या कमी है? क्या आप में से कोई पोकोयो को बता सकता है कि इस किले में से क्या गायब है? बिल्कुल सही, इसमें एक झंडा होना चाहिए। एली रुकने को कह रही है। पोकोयो, कोई शैतानी मत कर बैठना। ओ भगवान, एली कहना क्या चाहती है? मेरे ख्याल से एली तुम्हें कह रही है कि उसकी गैर मौजूदगी में किले को हाथ न लगाएं, और वो चाहती है कि तुम और किसी को भी इसे छूने न दो। दूर रहो। हाँ, बहुत बढ़िया पोकोयो, ऐसे ही पहरेदारी करनी होगी। ओ, ये तो लूला है। तुम तो डर गए। दूर रहो। शाबाश पोकोयो। अब क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? ये तो पैटो है। पैटो, दूर रहो। बच गए। पैटो को ये शायद उतना खास नहीं लगा। मुझे नहीं लगता ये करना सही होगा पोकोयो। क्या आप में से कोई पोकोयो को बताएगा कि एली क्या कह के गई थी? दूर रहो। ओह, लगता है पोकोयो हमें कुछ दिखाना चाह रहा है। चलो देखते हैं। क्या दिखा रहे हो पोकोयो? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। हा हा, ओ हो पोकोयो, तुमने ये क्या कर दिया? हाँ, हो गया कबाड़ा पोकोयो। तो दरअसल यहाँ कोई है जिसे सामने आकर कुछ कहना चाहिए। कहाँ गया? ये रहे तुम पोकोयो। एली, पोकोयो ने छुआ। सॉरी एली। बहुत अच्छे पोकोयो, तुमने माफी मांग ली और अब तुम एली को खुश करने के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हो। वाह वाह, तुमने कर दिखाया। तुमने पूरा किला दोबारा बनाया और वो भी पहले से ज्यादा खूबसूरत। वाह पोकोयो और एली, कमाल कर दिया। जब दोस्त साथ हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे।